गुड मॉर्निंग ब्रेन रोहित क्लासेस सतना में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एमपी जीके, जिसमें चल रहा है इंदौर संभाग का झाबुआ जिला। ठीक है, तो झाबुआ जिले के बारे में पढ़ेंगे, अपना मैप है इसमें पढ़ेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं, नदियां कितनी हैं, प्रसिद्ध स्थानों के बारे में पढ़ेंगे, जनसंख्या, जनघनत्व, लिंगानुपात, ये सब पढ़ेंगे, क्षेत्रफल। ठीक है, तो झाबुआ जिले के बारे में जानते हैं थोड़ी। ठीक है, जानिए झाबुआ जिले के बारे में थोड़ी से। जो झाबुआ जिला है अपना, तो राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित पूर्वी जिला है। लिखिए इसमें, राजस्थान और गुजरात राज्य की सीमा पर स्थित पूर्वी जिला। क्या है? जो झाबुआ जिला है राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित है। इसमें पढ़ेंगे अगला राष्ट्रीय राजमार्ग। लिखिए इसमें, राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? एक है। कौन सा? NH 47। ठीक है, लिखिए इसी में नेक्स्ट पढ़ लेंगे हम नदियां। तो कितनी है? दो है। कोष्टक में लिखिए माही और अनास। कौन कौन सी नदियां हैं झाबुआ जिले में? माही और अनास लिखिए। ठीक है, इसी में अगला पढ़ेंगे क्षेत्रफल, जनसंख्या, जनघनत्व, लिंगानुपात। ठीक है, लिखेंगे क्षेत्रफल, झाबुआ जिले का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। लिखिए कितना है? 3596 वर्ग किलोमीटर। लिखिए 3596 वर्ग किलोमीटर। फिर लिखेंगे जनसंख्या, क्या पढ़ेंगे? जनसंख्या पहले लिख लीजिए। क्षेत्रफल लिखिए, जनसंख्या 10,25,098। लिखिए 10,25,098। जनघनत्व लिखिए, जनघनत्व है 285। लिखिए अगला पढ़ेंगे लिंगानुपात। तो लिंगानुपात कितना है? 990। झाबुआ जिले का लिंगानुपात 990। विकास खंड पढ़ेंगे इसी में, तो विकास खंड कितने हैं? 12। ठीक है, लिखिए कितने हैं? 12। कोष्टक में लिख लीजिए सभी ST के, मतलब सभी अनुसूचित जनजाति के हैं। लिखिए। ठीक है, अगला बढ़ेंगे तहसील। झाबुआ जिले की तहसील कितनी है? 6 तहसीलें। कौन कौन सी? झाबुआ, पेटलावद, थांदला, राणापुर, मेघनगर और रामा। ठीक है, लिखिए तहसील कितनी? 6। लिखिए झाबुआ, थांदला, अंगा लिखिए पेटलावद, ये कहीं कहीं पटेलावाद भी मिलता है, लिख लीजिए पटेलावर।
या पटेलाबाद, ऐसे करके मिलता है। कोष्टक में लिख लीजिए, आप समझ जाएंगे। फिर लिखिए रानापुर। नेक्स्ट है मेघनगर। नेक्स्ट है रामा। एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है, छह पूरे हो गए। लिखिए, ठीक है। अब पढ़ेंगे झाबुआ जिले में प्रथम और सर्वाधिक। लिखिए, लिखिए इसमें झाबुआ जिले में पढ़ेंगे प्रथम और सर्वाधिक। ठीक है, इसमें लिखिए आदिवासी, शोध संचार केंद्र। क्या है? आदिवासी शोध संचार केंद्र। लिखिए, नेक्स्ट लिखेंगे इसी में रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन। कहां पर होता है? झाबुआ जिले में। जो रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहां पर होता है? झाबुआ जिले में। रॉक फॉस्फेट के लिए झाबुआ जिला जाना ही जाता है। लिखिए, नेक्स्ट लिखेंगे जल ग्रहण मिशन में अग्रणी। जल ग्रहण मिशन में अग्रणी। लिखिए जल ग्रहण मिशन में अग्रणी। नेक्स्ट है रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री। कहां पर है रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री? झाबुआ जिले में प्रस्तावित है। अभी कोष्टक में लिखिए प्रस्तावित, ठीक है, लिखिए, ठीक है। कुछ स्थानों के बारे में पढ़ेंगे अब, महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में, उसमें भी एक एक दो दो पॉइंट बनेंगे। लिखिए देवझीरी। देवझीरी इसमें लिखिए सुनार नदी के तट पर स्थित। क्या है? सुनार नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट इसी में लिखना है यहां पर पानी का झीरी है। लिखिए यहां पानी का झीरी है। अगला स्थान पढ़ेंगे मेघनगर। इसमें लिखेंगे रॉक फॉस्फेट खनिज। नेक्स्ट लिखिए इसी में औद्योगिक क्षेत्र। लिखिए, ठीक है, झाबुआ जिले के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, सब कुछ जो पेपर में आता है जिससे प्रश्न बनते हैं हमने पढ़ लिया। अब छोटा जिला था,
साथ साथ अलीराजपुर जिला भी इसी के साथ पढ़े ले रहे हैं। बस 2 मिनट लगेंगे मैप तैयार करते, फिर पढ़ते हैं तो हमारे एक साथ 2 जिले हो जाएंगे, झाबुआ और अलीराजपुर। झाबुआ और अलीराजपुर पहले दोनों इकट्ठा जिला थे, फिर बाद में अलग हुए। ठीक है, अलीराजपुर का मैप तैयार हो गया है, पढ़ेंगे अलीराजपुर। तो इसको क्या बोलते हैं, सर्वाधिक निरक्षर जिला, सर्वाधिक निरक्षर जिला, क्योंकि यहां पर साक्षरता बहुत कम है। अब पढ़ेंगे इसी में राष्ट्रीय राजमार्ग, लिखिए राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन कौन से है राष्ट्रीय राजमार्ग, ये NH 56, NH 56। ठीक है, आगे देखेंगे नदियां, देखिए अलीराजपुर जिले में नदियां कितनी है, 2 हैं। कौन कौन सी, नर्मदा और मान, लिखिए नर्मदा नदी और मान नदी। ठीक है, करिए, ठीक है, इसी में लिख लीजिए, थोड़े से नोट बनाते हैं। यह 14 मई 2008 को झाबुआ से पृथक होकर जिला बना। कब जिला बना था, 14 मई 2008 को किससे पृथक हुआ था, झाबुआ से। पहले ये झाबुआ जिला में मिला हुआ था, अब हम अभी जो झाबुआ जिला पढ़े ना इससे पहले जस्ट। ठीक है, करिए, ठीक है, नेक्स्ट इसी में लिख लीजिए खनिज। तो खनिज क्या प्राप्त होता है यहां से, डोलोमाइट, देखिए अलीराजपुर से खनिज के रूप में क्या प्राप्त होता है, डोलोमाइट, लिखिए। ठीक है, अब पढ़ेंगे जनसंख्या, लिंगानुपात, जनघनत्व, जो कुछ भी है सब। लिखिए सबसे पहले क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है कितना, 3182 वर्ग किलोमीटर। लिखिए अलीराजपुर का क्षेत्रफल 3182 वर्ग किलोमीटर। सेकंड लिखिए जनसंख्या कितनी है, देखिए 7,28,667, देखिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे जनघनत्व, कितना है, 229। नेक्स्ट लिखिए लिंगानुपात, इसमें लिखिए 1009। अब पढ़ेंगे विकासखंड, अलीराजपुर जिले में 3 विकासखंड है, तीनों एसटी के हैं,
सभी अनुसूचित जनजाति के, लिखिए क्या है। तीन विकास खंड है अलीराजपुर जिले में और तीनों अनुसूचित जनजाति के हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे तहसील, अलीराजपुर की तहसीलें। ठीक है, लिखिए तहसील कितनी है, पांच है। कौन कौन सी, अलीराजपुर में पांच तहसील है, कौन कौन सी लिखिए। अलीराजपुर, नेक्स्ट लिखिए जोबट, नेक्स्ट लिखिए भावरा, इसी को भावरा बोलते हैं। अगला लिखिए काठियावाड़ा, और लास्ट है सोंडवा। ये क्या है, तहसील है अलीराजपुर जिले की, पांच तहसील, अलीराजपुर, जोबट, भंवरा, काठियावाड़ा और सोंडवा। ठीक है, इससे आगे पढ़ेंगे अलीराजपुर के विशिष्ट तत्व। ठीक है, अगला पढ़ेंगे अलीराजपुर के विशिष्ट तत्व, लिखिए अलीराजपुर के पढ़ेंगे विशिष्ट तथ्य, लिखिए। ठीक है, इसमें फर्स्ट नंबर लिखिए भोपावर रियासत का हिस्सा था। कौन, अलीराजपुर जिला। सेकंड पढ़ेंगे डोलोमाइट खनिज, इसमें क्या विशिष्ट है, डोलोमाइट खनिज। देखिए डोलोमाइट खनिज, नेक्स्ट लिखना है विक्टोरिया ब्रिज, लिखिए विक्टोरिया ब्रिज, ताड़ी वृक्ष। इसी में लिखिए कोष्टक में भीलों की शराब। ठीक है, लिखिए। ठीक है, अगला पढ़ेंगे अलीराजपुर में प्रथम और सर्वाधिक, लिखिए अलीराजपुर के प्रथम और सर्वाधिक। क्या पढ़ेंगे, अलीराजपुर में, अलीराजपुर किस चीज में प्रथम है, या अलीराजपुर में क्या सर्वाधिक मात्रा में, लिखिए। इसमें लिखिए सर्वाधिक ST प्रतिशत वाला जिला, यहां पर ST ज्यादा है, लिखिए नूर जहां आम। सबसे बड़े आकार कहां पर है, अलीराजपुर।
सबसे बड़ा आकार कर लीजिए, लिखिए। नेक्स्ट लिखिए इसी में, प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय। प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ है? अलीराजपुर जिले में। लिखिए प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय। नेक्स्ट लिखेंगे और ये इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट लिखिए भारत का न्यूनतम साक्षर जिला। कोष्टक में लिखिए 36.1%। करिए, ठीक है। अब पढ़ेंगे अलीराजपुर के कुछ प्रसिद्ध स्थानों के बारे में, देखते हैं। लिखिए फर्स्ट पढ़ेंगे, लिखिए बाबरा। इसमें लिखेंगे फर्स्ट, पहले इसमें जान लीजिए थोड़े से, जो चंद्रशेखर आजाद जी थे उनका जन्म बाबरा जी बाबरा नामक स्थान में हुआ था, जो अलीराजपुर जिले में आता है, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में लिखेंगे। लिखिए इसमें स्वतंत्रता, लिखिए स्वतंत्रता सेनानी। चंद्रशेखर आजाद, जी की जन्मभूमि। लिखिए स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी की जन्मभूमि। नेक्स्ट इसी में लिखेंगे, इसका नाम 2007 में आजाद नगर रख दिया गया। किसका नाम? भावरा का। क्या हो गया 2007 से? आजाद नगर। लिखिए जो भावरा नामक स्थान था, चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि थी, इसी के कारण चंद्रशेखर जी के नाम के कारण भावरा का नाम आजाद नगर रख दिया गया 2007 से, ठीक है। लिखिए, ठीक है। अगले स्थान के बारे में पढ़ेंगे, काठियावाड़ा। इसमें क्या है? इसमें है प्रस्तावित अभयारण्य, एक घना जंगल है और नूरजहां आम के लिए प्रसिद्ध है। लिखिए काठियावाड़ा। इसमें लिखेंगे फर्स्ट प्रस्तावित अभ्यारण्य, लिखिए प्रस्तावित अभ्यारण्य फिर इसी में आगे लिखिए नूरजहां आम के लिए प्रसिद्ध, नूरजहां आम के लिए प्रसिद्ध। जो नूरजहां आम था सबसे बड़े आकार का, वो काठियावाड़ा नामक स्थान में था। जिला कौन था? अलीराजपुर, और अलीराजपुर में काठियावाड़ा स्थान, ठीक। अगला पढ़ेंगे इसी में, घना जंगल। काठियावाड़ा में क्या है? घना जंगल है। लिखिए, ठीक है। अलीराजपुर के बारे में हमने सब पढ़ लिया, इसके पिछले तो झाबुआ पढ़ लिया था,
बस अलीराजपुर और झाबुआ एक ही क्लास में खत्म हो गए हमारे। छोटे छोटे जिले थे, ज्यादा बड़े भी नहीं थे। अब अगली क्लास में अगला नेक्स्ट जिला इंदौर संभाग का पढ़ेंगे। थैंक यू।